इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सेकंड लेक्चर है वर्क स्टडी। और वर्क स्टडी होता क्या है बेसिकली, अगर आपका किसी वर्क जो भी काम चल रहा है किसी इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ कोई काम आपका करने वाले हैं, अपने प्रपोज्ड कोई वर्क है कि ये होना चाहिए अपनी इंडस्ट्री के अंदर, उसके ऊपर उसको करने का मेथड, ठीक है, कौन सा सबसे एफिशिएंट मेथड है। ठीक है, एक काम होता है, सबसे पहले जब इंडस्ट्रीज बनी थी तब काम जो होता था वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी और उसके ऊपर जैसे भी वो काम चल रहा था वैसे ही होता रहता था। ठीक है, तब एफिशिएंसी से कोई रिलेशन नहीं था क्योंकि तब जो थी लागत कम थी और जो रिसोर्सेज थे वो सस्ते थे और आगे जो मटेरियल तैयार हो रहा था वो उसकी कीमत थी क्योंकि वो नया था, बिल्कुल डिजाइंड था, अभी बना था। ठीक है, तो तब तो ये चीजें नहीं होती थी। जब कंपटीशन आ गया, ठीक है, इंडस्ट्रीज के अंदर, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई जो सेम काम कर रही हैं, तो उस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए वर्क स्टडी अपने जो है टर्म यूज की। तो वर्क स्टडी क्या होता है, बेसिकली दो तरीके की स्टडी होती है, एक तो मेथड स्टडी, एक वर्क मेजरमेंट। उन दोनों को मिला के क्या बनता है, वर्क स्टडी बनती है। मतलब कि टोटल काम को स्टडी करना, एनालाइज करना कि कैसे आप उससे बेस्ट से बेस्ट मेथड से आप उसको काम को जो है कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं कि आपने क्या करना है, कैसे वर्क को जो काम चल रहा है पहले से उसको कैसे एफिशिएंट बनाना है। ठीक है, अब उसके लिए हर वर्कर के ऊपर आपकी ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो हर वर्कर के ऊपर भी ध्यान रखना ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर वर्कर के ऊपर ऐसे ध्यान रख सको कि वो कितना काम कर रहा है, क्या वो काम कर रहा है सही से या नहीं कर रहा, एफिशिएंसी। ठीक है, तो वो जो उस चीजों को सबको ओवरकम करने के लिए अपने क्या बनाया गया, वर्क स्टडी नाम की टर्म बनाई है, जिसके अंदर क्या होता है, इट इज ए टर्म। तो सबसे पहले वर्क स्टडी में लिख देता हूं, सबसे पहली डेफिनेशन है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी क्या होता है, इट्स एन जेनरिक टर्म जो कि उन टेक्निक्स के ऊपर काम करती है, पर्टिकुलरली लाइक वर्क स्टडी, सॉरी मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। वर्क स्टडी आती है इसके अंदर, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। ठीक है, इन चीजों के ऊपर जो है एग्जामिनेशन करता है, इन चीजों के ऊपर एनालिटिक्स एनालिसिस करता है। ठीक है, तो व्हिच आर यूज्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन एफिशिएंसी। ठीक है, जो के काम करते हैं इसके ऊपर एग्जामिनेशन करते हैं, जो के वो करते हैं कि कैसे आप ह्यूमन से जो है मैक्सिमम जो है वर्क ले सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन वर्क, ठीक है, व्हिच आर यूज्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन वर्क, ह्यूमन वर्क कितना हो रहा है। तो जनरली ये क्या है, ये एक टर्म है, पर्टिकुलरली कहां यूज हो रही है, ये यूज हो रही है जब आपने किसी मेथड स्टडी या वर्क स्टडी के ऊपर काम करना है जिसके द्वारा आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं ह्यूमन वर्क का। ठीक है, जो के अपने को क्या हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा इन मोर एफिशिएंट प्रोसेस, इट हेल्प्स टू क्रिएट मोर एफिशिएंट वर्क। ठीक है, वर्क को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने का काम ये करेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या है, वर्क स्टडी क्या है, वर्क स्टडी एक ऐसी टेक्निक है
है जिसके अंदर आप मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि आप अपना जो प्रोसेस है उसको और ज्यादा एफिशिएंट बना सकें और ज्यादा आपके लिए वो इकोनॉमिक हो और ज्यादा बेनिफिशियल हो। ठीक है, ये चीज करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इसका एम क्या होगा, वर्क स्टडी का एम क्या होगा, टू इंप्रूव प्रोसेस। सारी चीजें आ जाएंगी इसमें, द एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड मेथड ऑफ डूइंग वर्क एंड अब क्या करना है, इंप्रूव करना है एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड मेथड्स को। ये तो क्या मेथड स्टडी का एम, और दूसरा क्या था, वर्क मेजरमेंट का। ठीक है, टू स्टैंडर्डाइज द टाइम फॉर पर्टिकुलर वर्क फॉर एवरी यूनिट ऑफ वर्क। हर वर्क यूनिट को क्या करना, स्टैंडर्डाइज कर देना। इसका मतलब क्या है, अब ध्यान दो थोड़ा सा, कि आपके पास क्या है, दो तरीके की चीजें हैं। एक तो आपने मेथड के ऊपर काम करना है, वर्क स्टडी है दो चीजों का कॉम्बिनेशन। एक तो आपका आ गया मेथड स्टडी, और दूसरा आ गया आपका जो क्या है, टाइम को कैलकुलेट करने के लिए वो क्या है आपका, वर्क मेजरमेंट। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के आप काम कर रहे हैं। तो वर्क मेथड स्टडी के अंदर आप क्या करेंगे, जो अपने पास पहले से मेथड है उसको एनालाइज करेंगे, और जो अपने सोचा है कि इसको इसके अंदर ये इंप्रूवमेंट होनी चाहिए उसके ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, वो तो क्या होगा, वो होगा आपका मेथड स्टडी के अंदर एम उसका, कि उसको आप और ज्यादा अच्छा बना सके। और दूसरा क्या करेंगे, आप वर्क मेजरमेंट के अंदर टाइम कैलकुलेट करेंगे हर पर्सन का, उसको स्टैंडर्डाइज कर देंगे टाइम को, कि क्या है अब कि एक नॉर्मल इंसान इस काम को इतनी देर में कर सकता है। अगर ये मार्कर बनाने का किसी को काम सौंपा जाए, तो अगर कोई भी एक वर्कर जो है वो 15 मिनट में ये मार्कर बनाता है, तो अपना स्टैंडर्डाइज टाइम क्या हो गया कि एक मार्कर को बनने के लिए 15 मिनट चाहिए। उसके अलावा उसको क्या चाहिए, एक मार्कर को बनाने के बाद 2 मिनट की अलाउंस चाहिए टूल चेंज करने के लिए। ठीक है, या कुछ और प्रोसेस, कुछ या कुछ जो है वाटर ब्रेक या कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो वो अलाउंस जोड़ के 15+2 या 3 मिनट का हो गया। ठीक है, इट मींस 18-17 मिनट से एक मार्कर को बनाने के लिए टोटल लग रहे हैं। तो स्टैंडर्डाइज हो गया कि एक मार्कर 17 मिनट में बन जाना चाहिए, उसके बाद पूरे दिन के अंदर इतने मार्कर बनने चाहिए, और एक मंथ के अंदर इतने मार्कर्स बनने चाहिए। तो आप पर डे डाटा आपके पास, आप वर्कर के ऊपर ध्यान नहीं रख सकते कि वो बना रहा है कि नहीं बना रहा, लेकिन आप उस स्टैंडर्डाइज जो आपका टोटल कैलकुलेशन है, एनालिसिस है, उसके ऊपर ध्यान रख सकते हो कि क्या प्रोडक्शन जो है वो इतनी हो रही है। अगर इसे कम हो रही है तो आप देखो टोटल यूनिट्स आएंगी, जैसे 50 यूनिट एक मार्कर्स बना रही है, तो 50 यूनिट्स के अंदर आपको क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड टाइम पता है कि 50 यूनिट के इतने मार्कर्स निकलने चाहिए टोटल, वो नहीं निकले एक दिन। आपने क्या किया, आप एनालाइज करोगे, मैनेजर्स को बुलाओगे कि कौन सी यूनिट ने काम अच्छा नहीं किया, 2 या 3 यूनिट या 1 यूनिट ऐसी होगी जहां पे कुछ प्रॉब्लम आई है, वो प्रॉब्लम क्यों आई है पता चल जाएगा, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज्ड टाइम से नीचे होंगे, बाकी स्टैंडर्डाइज्ड टाइम से ऊपर होंगे, उनको आप कुछ ना कुछ अलाउंस देंगे, उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देंगे। ठीक है, और जिन्होंने कम काम किया है उनको आप क्या करेंगे कि क्यों कम काम किया उसका रीजन ढूंढेंगे, अगर कोई टेक्निकल रीजन है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, यही तो है जो आपने वर्क स्टडी करना है, वर्क मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो वर्क स्टडी के अंदर ये सारी चीजें आ गई कि कैसे आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अब वर्क स्टडी के बारे में, कि इसके अंदर टेक्निक्स कौन कौन सी है, वर्क स्टडी की टेक्निक्स। टेक्निक्स ऑफ वर्क स्टडी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा आप वर्क स्टडी कर सकते हैं।
तो दो ही टेक्निक्स है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको जो पहले ही बता दिया, पहला है मेथड स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर दो टेक्निक्स हैं, पहली है मेथड स्टडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के ऊपर चैप्टर आएंगे पूरे के पूरे। पहला है मेथड स्टडी, दूसरा है वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट, ठीक है। तो दो तरीके की टेक्निक्स है, एक तो है मेथड स्टडी और दूसरा है वर्क मेजरमेंट, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मेथड स्टडी के अंदर क्या है, मेथड स्टडी के अंदर सिर्फ मेथड को आप इंप्रूव करने की बात करेंगे, सिर्फ मेथड कैसे आप जो है पहले वाला मेथड, इट इज ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग मेथड ऑफ डूइंग वर्क। वर्क को डन करने के कौन कौन से पहले के मेथड्स है, ठीक है, ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। कैसे पहले जो है, आज से पहले आप कैसे काम करते थे, मेथड स्टडी क्या है, आज से पहले आप कैसे काम करते थे, और या फ्यूचर में आपने कौन कौन से चेंजेस करने की कोशिश की है, उन सभी को अपा सिस्टमैटिकली और क्रिटिकल एग्जामिनेशन उसके ऊपर करेंगे, उसको अपा क्या बोलेंगे, मेथड स्टडी, कि कौन सा मेथड अपा यूज कर रहे हैं और उसके अंदर क्या क्या कमियां है और कैसे उसको इंप्रूव किया जा सकता है, वो सारी चीजें आएंगी इसके अंदर, ठीक है। दूसरा है वर्क मेजरमेंट। तो वर्क मेजरमेंट क्या है, इसके अंदर पर्टिकुलर हर पर्सन का पर्सन वाइज आप क्या करेंगे, जो है एक टाइम स्टैंडर्डाइज्ड टाइम कैलकुलेट करेंगे कि उस टाइम को करने के लिए ये वाला टाइम चाहिए, ठीक है, उस काम को करने के लिए इतना टाइम चाहिए, और उसके बाद उसके ऊपर दूसरे बंदे ने कितना काम किया, ठीक है। तो वर्क मेजरमेंट की क्या है, इट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड टाइम टेकन बाय worker to do a job, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक क्वालिफाइड वर्कर के द्वारा एक काम करने के लिए जितना टाइम लिया गया वो स्टैंडर्डाइज्ड टाइम क्या है, वर्क मेजरमेंट है, कि इतना तो काम उसको अपने कर चुके हैं इतने टाइम में। अब जो दूसरा वर्कर आएगा वो कैसे करेगा, ठीक है, जो अपने ये टेक्निक है, टेक्निक डिजाइन की गई है कि किसलिए, जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए, इट इज ए टेक्निक टू एनालाइज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, वर्कर की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए ये आपने स्कीम स्टार्ट की है, ये टेक्निक स्टार्ट की है, ठीक है। इससे अपने को क्या बेनिफिट होगा, इससे अगर आप नहीं भी देख पा रहे हो सब चीजों के ऊपर, आपकी नजर नहीं जा रही है इंडस्ट्री के अंदर, तो आप खुद से चेक कर सकते हो कि क्या वर्क सही चल रहा है। अगर स्टैंडर्डाइज्ड टाइम के हिसाब से काम सही चल रहा है, इट मींस सारा काम जो है वो सही चल रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी दिन काम प्रॉपर नहीं चला, उस दिन आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि कहां पे को क्या प्रॉब्लम आई है, जिसके कारण जो है वर्क जो है वो उसके अंदर कोई दिक्कत आई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन मेथड स्टडी एंड
रिलेशनशिप बिटवीन मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो सबसे पहले ये दोनों ब्रांचेस किसकी है? ये ब्रांचेस है वर्क स्टडी की। तो वर्क स्टडी जो है उसकी दो ब्रांचेस है। सबसे पहले क्या है? मेथड स्टडी। बातें हैं, एक तो सिविल की होगी, एक मैकेनिकल की होगी।
तो वहां पे मैंने ये लिख दिया कि ये किसकी है, ये मेथड स्टडी की ब्रांच है, बस इतना सी बात है। बाकी जो ऑब्जेक्टिव सारे वो कॉमन है क्योंकि वर्क स्टडी है। वर्क स्टडी की ब्रांचेस की अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव है वो भी मैं साथ में लिख देता हूँ क्योंकि आपको पता चलता रहे कि ये किसका ऑब्जेक्टिव है। तो मेथड स्टडी सेकेंड आता है इसके अंदर, अब द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैसे आप उससे मैक्सिमम यूज ले सकते हो। द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल है आप उसका कैसे आप बेस्ट यूज कर सकते हो, ये सारा किसमें आ जाएगा, ये मेथड स्टडी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कि आपने उस रिसोर्स को यूज करने का कौन सा मेथड यूज किया है। ठीक है, अगर आप वेस्टेज कर रहे हो, मटेरियल की वेस्टेज हो रही है, कोई आप कोल यूज कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, उनकी वेस्टेज हो रही है, तो वो मेथड आपका गलत है काम करने का, आपको उसमें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, तो ये किसमें आएगा, वर्क मेजरमेंट के अंदर। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन वर्क, इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन वर्क, कितना काम कौन सा वर्कर कैसे कर रहा है, ये क्या है, इवैल्यूएशन स्कीम है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोर्थ, इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन वर्क के बाद कि कैसे आप क्या कर सकते हो, सिलेक्शन ऑफ सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्संस। ठीक है, जो पर्सन जो है इसके अंदर जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वर्कर लिख देता हूं मैं यहां पे, ऑफ वर्कर्स। ठीक है, अब आपको वर्कर्स को सिलेक्ट करना है, तो उनसे क्या क्वेश्चन होगा, पहला कि क्या ये आप जो ये वाला काम कर सकते हो जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज के अंदर वर्क है। ठीक है, तो उसने अगर एक्सपीरियंस होगा वो, तो कहेगा कि हाँ मैंने ये प्रोडक्शन की हुई है और मेरी प्रोडक्शन रेट इतनी थी। ठीक है, किसी कंपनी के अंदर, तो ये क्या है उसका, क्या है ये उसका क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने किसी को सिलेक्ट कर लिया और वो काम कर रहा है और अपने को पता चला कि वो एफिशिएंट काम नहीं कर रहा है जितना दूसरे वर्कर कर रहे हैं, तो दूसरे वर्कर और उसका कंपैरिजन क्यों हुआ, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन है। अब अगर सभी लोग जो है आपस में एक ग्रुप बना लें कि हम तो कम ही करेंगे प्रोडक्शन, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बंदा जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं। तो ये जो पर्टिकुलर सारे काम है इनके ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन पहले से बनी हुई है कि एक पर्टिकुलर काम जो है उसके ऊपर कितना टाइम मैक्सिमम लगता है एक मशीन के ऊपर एक प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो आप उससे पता लगा सकते हो कि क्या वर्कर्स जो है वो सही काम कर रहे हैं या उनमें कोई दिक्कत है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जिसमें ह्यूमन वर्क के ऊपर कैलकुलेशन आ गई, ये किसका वो है, ये है वर्क मेजरमेंट का ये टॉपिक है। ठीक है, तो ये है आपके क्या दो तरीके के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके। ठीक है, सारे टोटल ऑब्जेक्टिव्स आ गए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप आगे पढ़ेंगे वर्क मेजरमेंट के बारे में कुछ और चीजें। आज इस लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।